और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सेहत की। सेहत के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे टीबी की, जो कि एक संक्रामक रोग है और इसलिए इसके बारे में जागरूकता भी बेहद जरूरी है। टीबी का संक्रमण कैसे फैलता है और टीबी रोगियों को टीबी के इलाज के साथ साथ क्या कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। तपेदिक यानी टीबी एक संक्रामक रोग है जो जीवाणुओं से फैलता है। आमतौर पर तपेदिक फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये रोग शरीर के अन्य अंगों जैसे रीढ़, गुर्दे या मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। तपेदिक रोग सक्रिय टीबी वाले व्यक्ति से उसके आसपास रहने वाले लोगों में हवा के माध्यम से फैलता है। तपेदिक के विषय में हम लोग काफी जागरूक हैं और हमारा आप इस वक्त जो ध्येय बनता है वो ये कि हम इस टीबी को इस देश से कंप्लीटली खत्म कर दें, क्योंकि तो वो उस बात पे निर्भर करता है कि हम कितने जागरूक हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब टीबी के जो लक्षण है तो प्रथम लक्षण पे ही, जैसे कि अगर कोई 15 दिन से ऊपर बुखार चल रहा है, खांसी चल रही है, आपको रात को पसीने आते हैं, आपको भूख कम लग रही है, तो आप जाके तुरंत डॉक्टरी सलाह के अनुसार अपना चेकअप करवाइए, देखिए कि क्या आपको टीबी है कि नहीं है। हम सबको टीबी के लिए ये किया जा चुका है कि आपका बलगम की जांच आवश्यक है और टीबी के रेजिस्टेंस के विषय में भी तुरंत टेस्ट किए जाते हैं, जिससे ये पता लगा जा सकता है कि क्या ये टीबी रेजिस्टेंट है कि नहीं है। जब आपका रेजिस्टेंट टीबी होती है तो उसका रेजिस्टेंस टीबी के लिए स्पेशल इलाज किया जाता है। अधिकतर लोग जिनके शरीर में टीबी के जीवाणु हो वो सभी तपेदिक रोग से ग्रस्त नहीं होते, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में टीबी होने का खतरा बना रहता है। कभी भी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए तो ये जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और लक्षण नजर आने लगते हैं। अगर हमारा टीबी का डायग्नोसिस बना है तो हम उसका इलाज पूर्ण रूप से कंप्लीट करें। जब तक डॉक्टर आपसे कहता है कि दवा खाएं, तो नियमित रूप से दवा खाना आवश्यक है। इसी काम के लिए डॉट सेंटर है, जहाँ पे कि आपको डायरेक्टली दवा मिलती है और आपको सामने खानी होती है। अगर हम इसमें चूकते हैं, जैसे कि लोग इधर उधर जाते हैं, अपना जिनका माइग्रेशन हो जाता है, स्टेट छोड़ देते हैं, या अपने काम की वजह से नहीं ले पाते हैं, या इरेगुलर होते हैं, या लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं और दवा छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ही टीबी का जो कीटाणु है वो रेजिस्टेंट होने लगता है, इरेगुलर दवा की वजह से या इनकम्प्लीट दवा की वजह से। यदि किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण नजर आए या 2 हफ्तों से अधिक खांसी ठीक न हो तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाकर जांच करवाना जरूरी है। सही और पूर्ण इलाज से तपेदिक रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम के मिजाज की।